साहब दिखा दो कितने बच्चे आपके नीचे अभी। ओ माशाल्लाह दोस्तों दो बच्चे आए इसके, पेपर वाइट है ये। ये तीन बच्चे माशाल्लाह से हमारे पूरे हो गए। दोस्तों अभी सुबह के जो है ना वो अभी 4 बज रहे हैं और ये मैं बच्चे लेके आया हूँ इसमें पड़े हुए, तो अभी हम जाके इसको मुर्गी के नीचे रखते हैं। हम अंदर आ गए और सबसे पहले तो क्या करते हैं अपनी मुर्गी को देखते हैं कि वो मुर्गी कहाँ पे बैठी है। ये रही हमारी मुर्गी और इसके नीचे जो है ना अभी मैं अपने चूजे को रखने वाला हूँ। दोस्तों मुर्गी ने दोनों बच्चे माशाल्लाह से एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो अभी इसके नीचे हैं और एक बच्चा जो है ना वो अभी मेरे डब्बे में, वो जो मैं वापस कर लेके जा रहा हूँ। और ये जो है ना सिल्वर स्प्राइट का बच्चा है और उसमें दो स्पेशल जो बच्चे हैं ना वो आपको जो है ना मैं सुबह के टाइम ही बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। अभी चलते हैं घर को, थोड़ी सी नींद पूरी करनी है यार, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी अभी हम आ गए हैं सेटअप में और सबसे पहले तो ये पालक डाल देते हैं अपने खरगोशों के आगे और सब जो है ना अभी खाना पीना खा रहे हैं। और आज आपको मैंने बताना भी है कि यार हमारी मुर्गी ने जो है ना बच्चे एक्सेप्ट किए या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पालक डालता हूँ अपनी इस खरगोशनी के आगे। ये लो भाई ये खाओ। तो ये अभी खा पी रहे हैं यहाँ से, तो अभी हम चलते हैं दूसरे रैबिट की तरफ। इसके आगे भी जो है ना डाल देते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ इस केज को ओपन और ये मैंने डाल ली। आपसे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी कि हमारे एक भाई हैं मोगल पेट हाउस के नाम से और यार मैं कहता हूँ उनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्ड्स का सेटअप है यार। क्या उनके पास फैंसी हैंस, क्या डक्स, क्या फ्लेमिंगोज, क्या टर्कीज और मोर फ्यूजेंट सब कुछ उनके पास पड़ा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट थी आप उनका चैनल लाजमी विजिट करें, बड़े मज़े की वीडियोज़ बनाते हैं, आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। और इसके अलावा मज़े की बात यह कि वो अभी गिव अवे करने वाले हैं एक टर्की का और एक बफ का। तो और क्या चाहिए यार, अगर आपको गिव अवे में टर्की मिल जाए तो आप लाजमी उनके गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। और उनकी जो ना लेटेस्ट वीडियो आज 12 से 1 बजे के दौरान आ जाएगी, तो आपने वो देखनी है लाजमी। अगर आपको टर्की चाहिए तो लाजमी उनका चैनल विजिट करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। और बच्चे जो है ना वो अंदर ही हैं। आज सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर। ओ माशाल्लाह पहले सिर ही इतने बड़े बच्चे पर नज़र पड़ गई। ओ माशाल्लाह इनके बाल भी आ गए और आंखें भी खुल गई, ज़बरदस्त हो गए यार, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदर जो है ना मुझे वाइट वाले भी नज़र आए हैं। एक मिनट मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और अभी एक और बच्ची को निकालते हैं। और ये देखें जी ब्लैक वाला मैंने अभी निकाला है, माशाल्लाह इसमें तो काफ़ी एनर्जी हो। ये देखे वो मम्मा के पास जा रहे हैं सीधे सीधा भाग। इसके तो कान कितने प्यारे खड़े हैं, बिल्कुल सीधे तीर हैं ऐसे। इसके तो फिर थोड़े से गिरे हुए हैं और जो है ना अभी पालक खाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मा के नीचे ही है यहाँ पे। इधर आ जा भाई, ये ले जा, ये मम्मा के पास गया अभी। अभी जो है ना मम्मा उनको खिलाना नहीं चाह रही लेकिन फिर भी ये उसके पास जा रहे हैं, तो मैं किसको जो है ना वापस इनके घर छोड़ देता हूँ। ये लो जी आप भी वाइट वाला, ये है बहुत क्यूट है यार ये वाला, इसको जो है ना मैं इधर छोड़ता हूँ। और अभी जो है ना मुर्गी के पास भी चलते हैं, देखते हैं उसने क्या किया बच्चों के साथ। मुझे तो डर है यार कहीं उसने मार छार ना दी हो। अभी जो है ना मैंने इनका के खाना पीना भी डाला हुए यहाँ पे, अभी चलते हैं अंदर। और सबसे पहले मुझे आते साथ गुड न्यूज़ मिल गई यार, ये देखे हमारी मुर्गी बैठी हुई है और मुझे लगता है इसके नीचे बच्चे हैं। और बच्चे भाई साहब दिखा दो कितने बच्चे आपके नीचे अभी। एक मिनट लड़ना नहीं है शायद, बिल्कुल लड़ना नहीं। ओ माशाल्लाह दोस्तों दो बच्चे आए इसके और ये मैंने सुबह ही छोड़े थे इसके नीचे और इसने जो है ना एक्सेप्ट भी कर लिए। ये देख लें ये फुल हीरा वाइट बच्चा है, मैंने नुमान से लाया था क्योंकि उसने मेरा एक देना था। और ये देख लें फुल पेपर वाइट है ये, उम्मीद है कि पर शर चेंज नहीं करेगा। वैसे आप इसके पर भी देख लें यहाँ से, और माशाल्लाह फुल हीरा असील वाइट। और ये जो दूसरा वाला ब्राउन वाला बच्चा था ना दोस्तों, ये काफ़ी प्यारा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये बिल्कुल अपनी मम्मा पे गया इस तरह का, मुझे लगता है ये शायद इसी का बच्चा है। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। और इसके साथ का जो तीसरा भाई थे ना जिसको हमने इसके साथ नहीं लगाया, वो बस थोड़ा सा मसला था यार, उसको मैंने जो है ना अलग ही रखा हुआ है इनके साथ। ओह ये बहुत छोटा सा क्यूट से है यार, ये इनका तीसरा भाई है, इसको हमने इसके साथ नहीं लगाया, बस कुछ मसला था। अभी वो देखें वो दोनों निकले गए, करण अर्जुन जो है ना सबसे पहले छलंग मार के निकले, करण वहाँ पे अर्जुन आ गया इसका। तो अभी इस चूजे का जो है ना मैं वापस इसके केज में डालता हूँ अपनी मेरी डोना डक के साथ दोबारा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है यार, इसको बाकी चूजे बाकी मुर्गियाँ जो है ना मारेंगी। अभी यहाँ पर ये करेंगे इसको बंद। और माशाल्लाह यार मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी इस मुर्गी ने बच्चों को एक्सेप्ट किया है और वो भी इतने दिनों के बाद, मतलब ये अंडों से उठी हुई भी अभी इसके 10-12 दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी इसने बच्चों को एक्सेप्ट किए और कितने प्यार से इनको खिला रही है। अब इसको बाहर भी निकालते हैं भाई साहब, आओ ना बाहर जाए, आ जाओ शाबाश। बच्चों को मैं लेके जाता हूँ ना, ये खुद ही उसको देख के बाहर आएगी, देखना बच्चों को मैं उठा दूँ। इसके खुद की बच्ची भी नहीं है फिर भी कितना उनसे प्यार कर रही है। आ जा बाहर। यार मैंने एक दफ़ा ट्राई करना है कि ये किसको चूज़ करता है, ये वाली ये वो वाली, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है ना। तो भाई बाहर जाओ माशाल्लाह अभी जो है ना फुल
चास हो गई है यार, एक व्हाइट बच्चा आ गया, एक ब्राउन बच्चा है। बिल्कुल जैसे इसके कलर नहीं है, एक ब्राउन कलर है इसका, एक व्हाइट कलर है, उसी तरह का एक ब्राउन कलर का बच्चा है, एक व्हाइट कलर का बच्चा। यार ये सिल्वर ब्राइट का चूजा बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, तो मैं अभी इसको पकड़ता हूँ। इसको हम ट्राई करते हैं यार अपनी इसके जो भाई है ना इनके साथ ही छोड़ गए, क्या बताइए उनको एक्सेप्ट करती है या नहीं। ये लो भाई, ओह इसे तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिए। जियो जी, ये तो कहती है लाते जाओ भाई, आने दो वाला सीन है इसका भी। वो देखें, वो भी इसके नीचे जा रहे हैं, जबकि मैंने इसको रात के साथ छोड़ा भी नहीं था, लेकिन अभी ये जो है ना कितनी प्यारी मम्मा है यार, जबरदस्त, प्राउड ऑफ यू मैन। वो देखें, वो जा रहे हैं वो कल रात को मैंने इनसे लादा किया, अभी नई मम्मा भी आ गई, वो भी देखें कैसे खेल रहे हैं उसके साथ, खुश हो रहे हैं। अभी चलते हैं इस केज के अंदर, देखते हैं कि हमारा जो कल लकी विजन का बच्चा निकले ना वो कैसा है, जिंदा भी है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले ये रहा जी हमारे लकी का प्यारा सा बच्चा, क्यूट सा, आंटी खुद भी नहीं है, जबरदस्त काम हो गया। और नीचे जो है ना, ओह दोस्तों मुझे कल ही शक था कि हमारा ये जो एक कबूतर का बच्चा है ना जो कमजोर वाला है उसने बचना नहीं है, और आज उसकी डेथ भी हो गई है। तो भाई यार इतना सुबह सुबह ही मुझे लगता है मरे। ओहो हो, वो देखे मैं उसके भाई को उठा रहा हूँ, आगे से मुझे मार रहे वो, ये देखे इतना बड़ा हो गया बेचारा, मर गया। लेकिन फिर भी मुझे पता था इसने बचना नहीं है, काफी लोगों ने मुझे पहले ही कहा था कि ये नहीं सरवाइव करेगा, एक बच्चा लाजमी मरेगा, और एक बच्चा आज मर भी गया है, देखे ना। ये जो है ना अभी मुझे मिल गई, ये गई सी, तो अभी इससे जो है ना ज़मीन खोद के जो है ना इसको दफनाते हैं। यार चलो कबूतर का बच्चा तो मर गया, लेकिन यहाँ पे फूल कितने प्यारे खिले हुए यार, मेरी आज नज़र पड़ी है, और इन फूलों में से कसम से खुशबू इतने मज़े की आती है, ओए होए होए, बिल्कुल अरके गुलाब वाला जो है ना मज़ा है। और ऊपर इतने ज़्यादा ये देखे, तो वो इतने ज़्यादा डोडे लगे हुए हैं इसके ऊपर, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ये चक्कर है, ये भी पूरा भरा हुआ है माशाल्लाह। और ऊपर हमारी अंगूर की बेल भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है ना फैल गई है, मैं आपको आज करीब से नीचे से भी दिखाता हूँ। ये देखें जो हमने सोचा था ना वैसे ही जा रही है, देखें ये जो है ना ऐसे ऐसे नीचे गिरेगी ना, तो इन पत्तियों को हम जो है ना ऐसे ऐसे लेके जाएंगे वो दीवार तक, ऐसी दीवार पूरी इधर से कवर होगी, फिर जो है ना ऊपर से ऐसे जाएंगे सीधी इंशाल्लाह ताला। और साथ ही यार मैंने कल आपको कहा था कि हमारी डव जो है ना वो फुल अंडों पे बैठी हुई है, और सबसे पहले अंदर चल के देखते हैं जी। ये चक्कर है माशाल्लाह, अंडा आ गया हमारी डव का, कितनी खुशी की बात है। और अभी यार मेरा प्लान पता क्या है, इंशाल्लाह ताला जब हमारी डव दूसरा अंडा देगी ना तो मैं उसके अंडे को एक्सचेंज कर लूंगा अपने पिजन्स के साथ। और पता है कौन से पिजन्स के साथ एक्सचेंज करूंगा, अपने ये वाले जो पिजन्स है ना, इसने जो ना दो अंडे दे भी दिए ये वाले, तो इनके साथ में जो है ना डव के अंडे एक्सचेंज कर लूंगा, मतलब यहाँ पे डव के अंडे होंगे और डव के नीचे कबूतरों के इसके अंडे होंगे। अभी मुर्गी की तरफ चल के देखते हैं यार वो क्या कर रही है अपने बच्चों के साथ, यहाँ पे कोने में बैठी हुई थी। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये जो है ना बच्चा, जाओ भाई नीचे जाओ ना, मम्मा के नीचे नहीं जा रहे हो, वो जो है ना मम्मा के नीचे, उसको जगह ही समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे जी हमारा हीरा, अल्लाह करे ये जो है ना सरवाइव कर जाए मेरे सेटअप पर, ये जो है ना बड़े काम के, इस पर बड़ी मेहनत हुई है हमारी। इसकी बैक स्टोरी में जो है ना आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगा ये कैसे आया है। इसके लिए जो है ना मुझे अपना मुर्गा जो है ना 2-2.5 महीने कुर्बान करना पड़ा था, वो वाला मुर्गा है ना अभी, वो देखें काली हमारी कालों के साथ जो अभी घूम रहे हैं ना ये वाला, ये 3 बच्चे माशाल्लाह से हमारे पूरे हो गए। और दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं यार, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके फिर खुदा हाफिज़।